हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शंस। देखो फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यूअसली सारी वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर आप पार्ट वन के बाद पार्ट फिफ्थ देखोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। सो इसीलिए जो भी वीडियोस देख रहे हो, पहले पार्ट वन, फिर पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री, इस तरीके से देखने हैं। इसमें दो टाइप की वीडियोस आपको मिलेगी, एक होगी बोर्ड वाली वीडियोस और एक आपके एनसीईआरटी बुक की। मैंने एनसीईआरटी बुक की जो पेज है वहां पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक लाइन क्लियरली। तो आप जो बेटर लगती है, दोनों आप देखना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले लेट्स वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट केमिकल चेंजेस। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में? केमिकल चेंजेस, ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस। जितने भी केमिकल चेंजेस हुए हैं वहां क्या हो रही है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। याद रखो, जहां पे भी केमिकल चेंज हो रहा है वहां सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। ये चीज क्लियर है? अब मैं अपने डे टू डे लाइफ में, जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस केवल लैबोरेट्री में ही हो, ये हमारे आसपास एवरी टाइम हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस इज गोइंग ऑन, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जो केमिकल रिएक्शंस के डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं, जैसे राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने? राइटनिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे मैं केमिकल चेंजेस लिख रही हूँ। सभी केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस हो रही है और ये सारे एग्जांपल्स क्या है जो हम आसपास देखते हैं डे टू डे लाइफ में। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, रस्टिंग ऑफ आयरन, देन रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन लिखो। सो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, देन कर्ड, मेकिंग कर्ड, फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, बर्निंग ऑफ, आपने देखा होगा आप किसी चीज को बर्न करते हैं, सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स भी कह सकते हो, या बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स लगा लो आप, या सब्सटेंसेस, बर्न कैंडल वैक्स। सो ये क्या है स्टूडेंट्स? रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच हेल्प टेक्स प्लेस इन योर बॉडी, देन डाइजेशन, फिर आप क्या कह सकते हो, ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये सब देखते हैं बेटा। और ये सब क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, आप लिख सकते हो बर्निंग ऑफ वुड, सो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कार्बन सब्सटेंसेस। सो किसी चीज को हम बर्न कर रहे हैं, कोई चीज जैसे कर्ड है, फ्रॉम मिल्क से कर्ड बन रहा है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, ये सारे हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल है? ऐसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सब ग्रेप्स को जब हम फर्मेंटेट करते हैं तो क्या बन जाती है? अल्कोहल, ठीक है। सो ये सब एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में, यहाँ पे सब केमिकल चेंजेस है और दीज केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर है सभी को? अब केमिकल रिएक्शंस में मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती है, केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती है और केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है। तो रिएक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम केमिकल रिएक्शंस ही देख रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? रीअरेंजमेंट ऑफ
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो सबसे पहले मैं केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन ले लेती हूँ। सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, क्या बताई मैं, केमिकल केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, क्या बताया मैंने, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बन रहा है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ जब बन के आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। सो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड आगे लिखा हुआ आ नहीं रहा है बोर्ड में, तो मैंने यहां लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है मैग्नीशियम, मैंने लिखा है ऑक्सीजन, ये दोनों चीज रिएक्ट करके ये एक नया सब्सटेंस बना दिया। तो इस नए सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा होगा यहां पे ऑक्सीजन एक गैस है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो बर्निंग में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। तो जैसे इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सब्सटेंस बनेगा वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगा, व्हाइट कलर का पाउडर। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बिल्कुल एक हार्ड सा सॉलिड होगा जिसकी एक फिक्स शेप होगी। ओके, अब यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम बोलते हैं स्टूडेंट रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो जो इस एरो से पहले लिखे होंगे उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इस एरो के बाद जो चीज बनती है बेटा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमेशा कहां लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है, और रिएक्टेंट कहां लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट कहां लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस साइड देखो, यहां पे देखो स्टूडेंट, इस साइड रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, क्लियर है, याद रख लेना। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन और प्रोडक्ट की डेफिनेशन और बता देती हूँ क्या होता है। और याद रखो, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्टेंट हो, दो ही रिएक्टेंट हो, एक दो तीन चार कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट कितने होंगे, प्रोडक्ट कितने होंगे, उस हिसाब से अलग अलग टाइप्स बन जाती है रिएक्शंस की। तो हम उनको आगे फिर पढ़ेंगे कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शंस है, अगर रिएक्टेंट एक है तो, अगर प्रोडक्ट एक है तो, ठीक है प्रोडक्ट कई है तो कौन सी टाइप की रिएक्शंस हो गई, ये आगे आने वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देती हूँ रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, लेकिन हर रिएक्टेंट के बीच में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, प्लस। ऐसे ही प्रोडक्ट भी एक से अधिक होगा तो उन प्रोडक्ट के बीच में आपको क्या मिल सकता है, प्लस साइन होगा हमेशा। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट की डेफिनेशन देख लो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन उसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। सो द सब्सटेंस
क्या बताया मेरे स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन. देखो, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस, आप इसकी और डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच रिएक्ट एंड मेक ए न्यू प्रोडक्ट. तो जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिएक्ट और कंबाइन, ठीक है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सो दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. या आप लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, वो क्या होगा स्टूडेंट, इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. अब आ जाओ स्टूडेंट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नया सब्सटेंस बनता है ना, कब बनता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है. तो यहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया प्रोडक्ट, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये चीज क्या हो गई स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हो गए. अब आपको समझ में आएगा, प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, एंड व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन. देखो, जैसे मैं रिएक्टेंट को सिंबल में लिख देती हूँ, जैसे H2 प्लस O2, या आप आगे जाके सीख जाओगे, अभी मैं सिर्फ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रही हूँ. क्या बताया, व्हेन द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट हो गए ना, सो व्हेन द रिएक्टेंट रिएक्ट, या व्हेन द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, दिस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, दिस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट, और इस पूरे को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन. मैंने बोला था ना, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, मैंने क्या बताया, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो देखो, नया सब्सटेंस विथ नई प्रॉपर्टीज के साथ कैसा बना है. हाइड्रोजन क्या है स्टूडेंट, एक गैस है, और ये गैस मतलब बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है. ऐसी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, बट ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है. और ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी क्या है स्टूडेंट, एक गैस है, ये भी क्या है, एक गैस है, लेकिन ये क्या है, वॉटर क्या है, यहाँ पे जो बनेगा वो एक लिक्विड है, वो क्या है, एक लिक्विड है. ये आग बुझा लगा रही है, ये भी आग लगा रहे हैं, लेकिन ये आग, वाटर को हम आग बुझाने में हम यूज करते हैं. तो देखो, इन दोनों की प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, अलग हुई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई स्टूडेंट, अलग. तो इसीलिए मैंने बोला है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. और केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे. जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो एक नया रिएक्टेंट को रिएक्ट करके या कंबाइन करके जो एक नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा. अब हम उससे पहले, ये सारी चीजें तो हमें क्लियर होगी, अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट है कि जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है. तो मैग्नीशियम रिबन का आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पे ही, स्टार्टिंग वाले पेज पे ही दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या होता है क्या नहीं. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं आपको दिखाती हूँ मैग्नीशियम रिबन का. ये देखो मेरे पास ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन, मैं आपको इसको बिल्कुल क्लोजर दिखा देती हूँ. ये क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम रिबन है. ओके, इस मैग्नीशियम रिबन को मैं
थोड़ा सा ऐसे 1 or 2 cm हम ले लेते हैं इसको, और आप इसको बिल्कुल यहां पे ऐसे करके ब्रेक कर लो। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। तो ये देखो मैंने 1 or 2 2.5 cm के आसपास या 2-3 cm ले लिया। और इसको आप किससे पकड़ोगे स्टूडेंट? जब भी इसको जलाते हैं हम, तो इसको किससे पकड़ के जलाना चाहिए? इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो केमिस्ट्री लैब में पढ़ा होता है, इसको हम बोलते हैं, इस इक्विपमेंट को, दैट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस वन। इसको आप अच्छी तरीके से टेस्ट ट्यूब होल्डर या आप सीधा होल्डर कह सकते हो, कोई भी चीज होल्ड करने के लिए काम आती है। ओके, तो आप इससे इस तरीके से ऐसे होल्ड कर सकते हो। कैसे? ये देखो मैं आपको होल्ड करके दिखाती हूँ इसको। ये देखो स्टूडेंट, मैंने इसको इस तरीके से अपने हाथ में होल्ड कर लिया। ये है मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन में आप जब भी इस मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे स्टूडेंट, तो इसको जलाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से क्या करेंगे स्टूडेंट, इस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्या करेंगे, रब करेंगे इस मैग्नीशियम रिबन को। मैं ये आपको एक केमिकल रिएक्शन सी बता रही हूँ, इसकी एक्टिविटी मैंने वीडियो भेज रखी है यूट्यूब पे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ मैग्नीशियम रिबन दिखाया था यहाँ पे, और इस तरीके से आप थोड़ा सा पीस लोगे मैग्नीशियम रिबन का बर्न करने के लिए। और आप इसको जब भी इसको जलाओगे तो आपको अपने हाथ से क्या रखना है, इसको अवे रखना है, अपनी तरफ ऐसे करके नहीं जलाना। यू शुड कीप दिस मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम यू यू ठीक है, और ओनली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, टीचर की प्रेजेंस में इसको जलाना है। बिकॉज जो इसकी गैस है, हार्मफुल गैस ये प्रोड्यूस करे, विच इज वेरी हार्म फॉर आवर आईज। और जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, यूज प्रोटेक्टिव ग्लासेस ऑन योर आईज, अदरवाइज व्हाट हैपन, इससे क्या निकलती है, डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वेरी ब्राइट, बहुत तेज, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कैसी फ्लेम स्टूडेंट, जो जलेगा तो ये जलते हुए जैसे हमारी मोमबत्ती, आपने देखा होगा फुलझड़ी जलाते हैं हम ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली दीपावली वगैरह पे, तो वहां पे जैसे उसकी तेज लाइट होती है, ऐसी तेज लाइट इसकी निकलेगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दिस व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, जो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होगी, दिस इज वेरी वेरी ब्राइट। और इतनी ब्राइट लाइट को अगर हम आईज से देखेंगे, व्हाट हैपन, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टिव ग्लास, बिना प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज किए अगर हम इसको देखेंगे, देन इट विल हार्म अवर आईज, ये हमारे आईज को नुकसान कर सकती है। सो हमें क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए कि इट शुड बी अवे फ्रॉम अवर, इसको अपने जो होल्डर अपने हाथ में पकड़ रखा है, टेस्ट ट्यूब होल्डर बोल सकते हो या एनीथिंग, आप इसको होल्डर भी बोल सकते हो। सो इस होल्डर को विच इज होल्डिंग द मैग्नीशियम रिबन, इट शुड बी नॉट टूवर्ड्स अस, इट शुड बी व्हेन वी बर्न, बर्न करते वक्त इट शुड बी अवे फ्रॉम अवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट से अवे होना चाहिए। और जब भी आप इसको जलाओगे तब आप इसको, दिस इज कॉल्ड चाइना डिश, इसको चाइना डिश बोलते हैं स्टूडेंट, और ये चाइना डिश या वॉच ग्लास भी ले सकते हो। आप जो भी इसमें बर्न हो, इसको जलाओगे तब आप इसमें कलेक्ट करना, जब इसमें कलेक्ट करोगे तो वहां पे क्या चीज आएगी, व्हाइट कलर का पाउडर, इसको जलने के बाद जो सब्सटेंस पीछे रह जाएगा वो कैसा सब्सटेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाइट पाउडर। वो कैसा होगा स्टूडेंट, व्हाइट कलर का पाउडर होगा, या किसी किसी बुक में व्हाइट पाउडर की जगह पे व्हाइट ऐश भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर की राख, ऐश क्या होता है, राख। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या ध्यान सावधानियां रखनी चाहिए, इट शुड बी बर्न अवे फ्रॉम अस एंड दिस मैग्नीशियम रिबन शुड बी होल्ड विद द होल्डर, और तीसरी चीज, यूज प्रोटेक्टिव ग्लासेस ऑन द आईज व्हेन वी बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन। ये तो हो गया प्रिकॉशंस। अगर पूछे आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, ऑब्जर्वेशन क्या बताया स्टूडेंट मैंने, ऑब्जर्वेशन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई, क्या ऑब्जर्व किया इसको जलाते वक्त, तो क्या ऑब्जर्वेशन की स्टूडेंट मैंने, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक तो क्या प्रोड्यूस होगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये कई बार आया हुआ भी है, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। दूसरा लिखा हुआ आ सकता है, व्हाट ऑब्जर्वेशन डू यू ऑब्जर्व
व्हेन यू बर्न द मैग्नीशियम रिबन. तो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी, व्हाइट ऐश और यू कैन से व्हाइट ऐश और व्हाइट पाउडर. ओके, ये दो चीज. अब आ जाओ, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें सैंड पेपर, अभी मेरे पास है नहीं, सैंड पेपर वो होता है स्टूडेंट, जैसे मुझे ये यहाँ पर, या आप देखो यहाँ पे आपकी दीवार के ऊपर जैसे पहले पीओपी कर रखी है या पहले कोई पेंट कर रखा है, उसको रिमूव करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग कर रखी है तो उसको रिमूव करने के लिए, नई व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हो, वॉल ऑफ योर हाउसेस को रब करते हो किसी चीज से, जो हमने लेबर लगा रखे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, जो पेंट करने वाले होते हैं बिफोर पेंटिंग द वॉल अगेन, तो उसको रब करते हैं. तो जिस चीज से वो रब करते हैं वो सैंड पेपर ही होता है. तो इस तरीके से केमिस्ट्री लैब में भी, या आपने बायो लैब में, या आप अपने घर पे भी देख सकते हो सैंड पेपर. मैं आपको शो भी कर दूंगी केमिस्ट्री लैब सैंड पेपर. ओके, तो इसको सैंड पेपर से अगर पूछ ले बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन आपको किससे रब करना चाहिए, तो हमें किससे रब करना चाहिए स्टूडेंट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. सैंड पेपर, सैंड पेपर से रब करना चाहिए. अब पूछ ले देवीलास कि सैंड पेपर से क्यों रब करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो एनवायरमेंट में जो मॉइस्ट एयर होती है, क्या बताया स्टूडेंट मैंने, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर से ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है. तो जो मॉइस्ट एयर से ये रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. जब ये मॉइस्ट एयर से धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर जब एनवायरमेंट में पड़ा होता है तो व्हाट हैपेंस फ्रेंड, इसके ऊपर एक मॉइस्ट इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. एनवायरमेंट में किससे रिएक्ट कर रहा है, ये मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर रहा है. तो मॉइस्ट एयर के रिएक्शन से ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर आ जाती है. उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक, उसको हम बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. इसको रब कर देती हूँ, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किस चीज की लेयर होगी, जब वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर जो सैंड पेपर से जो लेयर हम रिमूव करते हैं बर्न करने से पहले, वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये अगर हम केमिकली इसको देखें, इसके अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या चीज होती है, तो उसके अंदर दो चीज होती है बेटा, एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ए मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किसका मिक्सचर स्टूडेंट, ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बताया मैंने, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड. तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर पूछ ले आपसे क्या है, ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, सो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इन दो चीज का मिलेगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इसकी लेयर आ जाती है इसके ऊपर. सो बिफोर बर्निंग दिस मैग्नीशियम रिबन, व्हाट वी हैव टू रिमूव विद द सैंड पेपर, दिस लेयर, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. और ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्चुअल में इसमें किस चीज का मिक्सचर है, इसमें है मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर स्टूडेंट इसको याद रखो. सो ये बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, हम ये प्रोटेक्टिव लेयर जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करते हैं, सो दैट इट विल रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मैं लिखी दिखा रही हूँ रिएक्शन. अब इस लेयर को हटाने के बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड.
अब जो ये व्हाइट कलर का जो पाउडर आएगा वो एक्चुअल में पूछ ले कि जब आपने इसको जलाया, जलाने के बाद इसको आपने वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लो या मेरे पास ये चाइना डिश है इसमें कलेक्ट कर लो, तो इसमें कलेक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस आएगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट पाउडर बोल दो या व्हाइट ऐश, तो वो व्हाइट कलर की ऐश पूछ ले, व्हाट इज द व्हाइट ऐश, व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया सभी को? सो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, व्हाई वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम व्हाई व्हेन वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, व्हाई वी आर रबिंग इट विद द सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। नाउ जब हम इसको बर्न करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्हाइट सब्सटेंस, इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप टेस्ट कर सकते हो लिटमस पेपर से। ये लिटमस पेपर है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये होता है लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस है और ऐसा ही ब्लू कलर का भी होता है थोड़ा डिफरेंट, इसी तरीके से बॉक्स में मिलता है आपको, तो इस लिटमस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, व्हाइट पाउडर के अंदर टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप किसमें डालोगे, इसमें क्या डालोगे स्टूडेंट, वाटर ऐड कर दोगे, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे और फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड में आप क्या करोगे, 2 ड्रॉप्स इस लिटमस पेपर के ऊपर, इस लिटमस पेपर के ऊपर इसके 2 ड्रॉप्स आप डाल देना, आपको पता चल जाएगा इसका कलर, ये कैसा नेचर है इसका, एसिडिक है कि बेसिक है, इसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, बेसिक होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैंने क्या बताया, मेटल, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, इनका नेचर मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक होता है। सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो व्हाइट कलर का रिबन से बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट है इसको आप थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालो और थोड़ा आप वाटर ऐड कर लो, लिटिल वाटर ऐड कर लो और फिर उसको अच्छी तरीके से शेक करने के बाद इसकी आप 1 और 2 ड्रॉप्स, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसकी 2 ड्रॉप्स आप इस लिटमस पेपर पे डालोगे, लिटमस पेपर का कलर रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, इट मीन्स दिस इज बेसिक नेचर, इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। तो पूछ सकते हैं कि आप इसका नेचर कैसे टेस्ट करोगे, तो नेचर कैसे टेस्ट करेंगे, इस व्हाइट पाउडर के अंदर हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद उसकी 2-3 ड्रॉप्स आप लेके लिटमस पेपर पे डाल देना बेटा और उसका कलर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा, इट मीन्स उसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक। सो मेटल्स ऑक्साइड हो या मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो, दोनों का नेचर मोस्टली क्या होता है, बेसिक होता है। क्लियर है सभी को? सो ये एग्जाम में बहुत बार से मैग्नीशियम रिबन से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे इसका मिक्सचर का पूछ ले क्या नाम होता है, प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या होता है, उसको रब क्यों करते हैं, क्या प्रिकॉशन देखनी चाहिए बिफोर रब करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को जो जलाएंगे तो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस आएगा उसका नाम क्या होगा, कैसे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसका एसिडिक और बेसिक नेचर, तो ये सारे मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जलाते वक्त आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, सो इससे यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और आज का क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को अगर ये वीडियो समझ आ गई देन ओनली दे विल गिव द आंसर, आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट मैग्नीशियम रिबन को जब हम रब करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, when we are burning the magnesium ribbon, before burning the magnesium ribbon we will rub it with sandpaper, so wo protective kaun si layer hai, what is the name of this protective layer, us protective layer ka kya naam hai jisko hum sandpaper se rub karte hain taki magnesium ribbon ke upar se hat jaye aur magnesium ribbon air mein properly burn ho jaye, so what is the name of that protective layer which we rub with the sandpaper, which we remove with the sandpaper so that it will burn properly, so you have to give this answer in my comment box, so thank you friends for watching my videos.